भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रदेश में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को हुई भारी क्षति का तुरंत आकलन कर उनको उचित मुआवजा राहत के रूप में दे। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अनाज जिसमें गेहूं आदि की फसल पक कर तैयार है उनकी कटाई भी की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में बेमौसमी सब्जियां जैसे विशेष रूप से मटर गोभी टमाटर आदि की फसलें पककर मंडियों में भेजने के लिए तैयार है, परंतु कुछ दिन से प्रदेश में हुई भारी बारिश व ओलावृष्टि से ये फसलें तबाह कर दी गई हैं, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। सीपीआईएम ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस विषम परिस्थिति में किसानों व बागवानों के संकट को ध्यान में रखते हुए भारी वर्षा व ओलावृष्टि से हुई क्षति का तुरंत आकलन कर इनको उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। किसानों व बागवानों के द्वारा बैंकों व अन्य संस्थाओं से लिए गए कर्ज वापसी पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा इसे माफ कर किसानों व बागवानों को संकट की घड़ी में राहत प्रदान की जाए। पिछले दिनों से ये जो प्रदेश के अंदर भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इसके चलते प्रदेश के किसान और बागवान को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर तकरीबन सभी जिलों के अंदर जो फसल है वो जो है बर्बाद हो गई है। क्योंकि प्रदेश के अंदर आज गेहूं की और अन्य अनाज की फसलें जो है वो पककर तैयार है। इसके अलावा जो प्रदेश में बेमौसमी सब्जियां होती है जिसमें गोभी है मटर है टमाटर है वो भी पूरी तरह से पककर तैयार है। एक तो इनके ऊपर जो है ये जो कोरोना महामारी है, मंडियां बंद होने से जो है इसका संकट खड़ा हुआ है। दूसरा जो है इस भारी बरसात और जो ओलावृष्टि है इसने जो है पूरी तरह से इनकी फसलों को जो है तबाह कर दिया। इसके साथ साथ प्रदेश की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो सेब की अर्थव्यवस्था है उसको भी जो है मंडी कुल्लू शिमला जिलों के अंदर जो है विशेष रूप से उसको जो है बड़ा नुकसान जो है ओलावृष्टि और इस बारिश के कारण जो ठंड हुई है उसके चलते हुआ है। और तकरीबन अभी अगर सरसरी आंकलन देखा जाए तो 20% फसल जो है अभी तक सेब की जो है वो इस ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो है खराब हो चुकी है। हमारी पार्टी सीपीआईएम का मानना यह है कि किसान बागवान पहले ही जो है इस कोरोना महामारी के चलते जो संकट खड़ा हुआ है उससे जो है कठिनाई के संकट के दौर से गुजर रहा था, परंतु इस बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि ने जो है उसके संकट को जो है और बढ़ाया। तो हमारी पार्टी सीपीएम मांग करती है प्रदेश की सरकार से कि तुरंत जो है इस वर्षा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जो है जायजा लेकर उचित मात्रा में जो है वो मुआवजा जो है प्रदेश की सरकार दे, ताकि इस संकट की घड़ी में किसान और बागवान को जो है राहत मिल सके। क्योंकि आज बहुत सा किसान ऐसा है प्रदेश के अंदर जो बैंकों से और अन्य संस्थाओं से जो है कर्ज लेकर जो है अपनी खेती और बागवानी को करता है। अगर सरकार ने जो है उचित मुआवजा जो है किसान बागवान को नहीं दिया तो वो जो है इस कर्ज को लौटाने में जो है वो संभव नहीं होगा। तो हमारी पार्टी सीपीआईएम प्रदेश की सरकार से मांग करती है कि जिस भी किसान और बागवान का जो कर्ज है किसी भी संस्था से उसको जो है सरकार एक वर्ष के लिए जो है टाल दे और उसको माफ करे, अन्यथा जो है किसान को जो है इस संकट में राहत नहीं मिलेगी। तो ये जो बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश की सरकार इसका तुरंत आकलन करके जो है किसान और बागवान को राहत प्रदान करे।